माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला वाई नीतू निगम। आज हम सीखेंगे चैप्टर 6 क्लास 4 कंप्यूटर सब्जेक्ट से कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्लेइंग विद पिक्चर इन एमएस पेंट, जिसमें आप बच्चों सीखेंगे स्टार्टिंग एमएस पेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट कैसे करते हैं, पिक्चर को क्रॉपिंग कैसे करते हैं, रिसाइजिंग एंड स्क्यू अ पिक्चर, रोटेटिंग एंड फ्लिपिंग अ पिक्चर, इनवर्ट सेलेक्शन एंड ट्रांसपेरेंट सेलेक्शन। साथ ही बच्चों हम ये भी कहना चाहते हैं एंड पेरेंट्स आपसे भी कि अगर अभी तक आपने क्लास 4 सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के चैप्टर 5 तक प्रैक्टिकल नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार अवश्य देखें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि एमएस पेंट हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसे हम मिनिमाइज करते हैं और हम आ जाते हैं डेस्कटॉप पर हम आ चुके हैं और यहाँ स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे आपको एमएस पेंट की आइकॉन दिख रही है, इस पर हम माउस से क्लिक करके इसे हमने ओपन कर लिया है और यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं तो हमें फुल स्क्रीन मिल जाती है। अब हम जानेंगे किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करना। किसी भी पिक्चर को हम दो तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये पिक्चर्स पहले से ली गई हैं, तो इस पिक्चर को हम सेलेक्ट करके आपको बताते हैं। रेक्टेंगुलर सेलेक्ट हम कर लिए हैं इस पिक्चर्स को एंड कॉपी कर लिए और वापस हम अपनी सीट पर आकर इसे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी ब्लैंक सीट है, यहाँ पर आके हमने इसे पेस्ट कर लिया। अब वापस इसे हम पेस्ट करके दो पिक्चर्स ले लेते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। दो पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। अब हम सेलेक्शन सीखते हैं। सेलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम होम पर क्लिक करेंगे। जैसे देखिए व्यू पर हम क्लिक करते हैं तो वो ऑप्शन हमारा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम होम पर क्लिक करते हैं, फिर सेलेक्ट ऑप्शन पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। पहला ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सेलेक्शन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए माउस को हम रेक्टेंगुलर शेप में सेलेक्ट करते हुए पिक्चर के आसपास सेलेक्ट कर लिए और इस प्रकार का हमें दिखता है। अब इसे हम कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, यानी सेम पिक्चर हमें दो बार चाहिए। तो इस प्रकार ऊपर नीचे हमने दो तरह का पिक्चर ले लिया है। अब इस पिक्चर में हम देखेंगे फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। फ्री फ्रॉम सेलेक्शन करने से पेंसिल से जैसे हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रकार का ये सेलेक्ट हो रहा है। देखिए माउस से ड्रैग करते हुए हमने ले लिया। अब इसे भी उसी प्रकार हम कंट्रोल प्लस सी करेंगे एंड कंट्रोल प्लस वी, तो और इसे ड्रैग करके हम यहाँ पर इसके नीचे ले आए हैं। तो हमारा चार पिक्चर हो चुका है। अभी बच्चों आपने सीखा किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट हम दो तरीके से कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम सेलेक्शन एंड रेक्टेंगुलर सेलेक्शंस। ठीक है, अब हम जानेंगे किसी भी पिक्चर को रीसाइज एंड स्क्यू कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हम ये रेक्टेंगुलर से पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब हम जाएंगे रीसाइज ऑप्शंस पर। रीसाइज में आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, रीसाइज एंड स्क्यू। ठीक है, सबसे पहले हम रीसाइज देखते हैं, यानी पिक्चर को ओरिजिनल पिक्चर से अलग साइज में। मान लो यहाँ पर हम पिक्चर्स को 180 लेते हैं। ठीक है, और ओके कर दिए। देखिए ये पिक्चर क्या हुआ, लार्ज साइज में हो गया। ये लार्ज में और पहले वाले पिक्चर क्या है हमारे छोटे साइज में, तो ये हो गया हमारा रीसाइज। वापस इसको हम पहले की स्थिति में ले आते हैं, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया है बच्चों, कंट्रोल प्लस जेड, यानी एक स्टेप पहले। अब वापस हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं और इसका दूसरा ऑप्शन है रिसाइज में स्क्यू, जिसको हम हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ले सकते हैं। हॉरिजेंटल हमने 20 इसका कर दिया है, रिसाइज एज इट इज रहेगा और ओके करते हैं। देखिए पिक्चर क्या हुआ, थोड़ा सा तिरछा हो गया। इसी प्रकार अनटू हम करेंगे कंट्रोल प्लस जेड तो पहले की स्थिति आ जाएगी। वापस इस पिक्चर को देखिए हम ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं और वापस हम रिसाइज पर गए। अभी हमने हॉरिजेंटल देखा था, अब हम वर्टिकल में चेंज करके देखते हैं। वर्टिकल में हमने 25 ले लिया है और ओके कर दिए। देखिए
वर्टिकल में क्या हो रहा है, इस तरह मूव हो रहा है पिक्चर। वापस हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे और पहले की स्थिति में आ जाएंगे। तो बच्चों आपने सीखा अभी पिक्चर को सेलेक्ट करके रिसाइज एंड स्क्यू करना। अब हम किसी पिक्चर्स को रोटेट करना सीखेंगे। मान लीजिए इस पिक्चर को हमने सेलेक्ट किया, अब रोटेट देखेंगे। वापस हम इसी में रोटेट ऑप्शंस पर आते हैं। सबसे पहले हम राइट 90 डिग्री देखते हैं। देखिए पिक्चर इस प्रकार मूव हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन रोटेट लेफ्ट 90, वापस सीधा खड़ा हो गया। फिर हमने किया रोटेट 180, उल्टा साइड से हो गया पिक्चर। नेक्स्ट हमने किया फ्लिप वर्टिकल एंड लास्ट हम कर सकते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस प्रकार हमारा पिक्चर्स अपोजिट साइड से हो जाता है। ठीक है, ये उल्टा हो गया, ये सीधा हो गया पिक्चर। ये आप देख पा रहे हैं किसी भी पिक्चर को रोटेट हम कितने तरीके से कर सकते हैं बच्चों, 5 तरीके से रोटेट किसी भी पिक्चर को हम कर सकते हैं। वापस सीधे लाने के लिए हम कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो पहले की स्थिति में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं स्क्यू एंड रिसाइज हम देख चुके हैं एंड रोटेट ऑप्शन भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे इन्वर्ट सेलेक्शन। इन्वर्ट सेलेक्शन के लिए सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को ब्लू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिल बॉक्स लेंगे और यहाँ पर ब्लू कलर लेंगे और नीचे जाके हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्या हो गया, हमारा ब्लू हो चुका है। अब बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है और हमारे पास ये इमेज फ्री फ्रॉम सेलेक्शन ग्रुप से हमने इमेज लिया है और उसके बाद हम सेलेक्ट इन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं और पिक्चर को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम रेक्टेंगुलर शेप को लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया है और इन्वर्ट ऑप्शंस पर जाते हैं। इन्वर्ट सेलेक्शन या मान लीजिए सेलेक्ट ऑल हम कर देते हैं एंड इन्वर्ट सेलेक्शन कर देते हैं और फिर हमें क्या करना है, डिलीट की को प्रेस करना है। जैसे ही हम डिलीट की करते हैं तो हमारा ये कंट्रास्ट में दिख रहा है। बच्चों आपको ढंग से समझ में नहीं आया है, चलिए एक बार वापस से हम करते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस सी करते हैं और न्यू पेज पर इसे हम ले लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए न्यू पेज पर हम आ चुके हैं, कैंसिल कर देते हैं, इसको हमें न्यू पेज पे लेना है। न्यू पेज हम ले लेते हैं एंड डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करके इस पिक्चर को ले आ चुके हैं। बैकग्राउंड हमें क्या करना है, ब्लू करना है, फिल कलर लिए और यहाँ से हमने ब्लू कलर लिया और स्क्रीन पे जाके क्लिक कर दिया। ठीक है, अब वापस हम सेलेक्ट पर जाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप लेते हैं, ये हमारा कुछ आ रहा है, इसे हम डिलीट कर दिए हैं बच्चों और इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया हमने, फिर सेलेक्ट ऑप्शंस पर जाते हैं और इन्वर्ट सेलेक्शन पर क्लिक किए। इन्वर्ट सेलेक्शन पर हमने क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद हम नाउ प्रेस डिलीट की, तो देखिए ये कंट्रास्ट इस प्रकार का आ जाता है। इन्वर्ट सेलेक्शंस आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। प्लीज़ पेरेंट्स हमारे चैनल को देखिए और खुद घर बैठे आप बच्चों को ईजी वे में प्रैक्टिकल करवा सकते हैं जो कि उनको समझने में और एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना और इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।